सभी साथियों से एक नम्रत विनती है कि मेरा नाम शेख रूप है, मैं बागवान टाइगर फूड एसोसिएशन का अध्यक्ष है। मैं सभी हिंदू गरीब महिला बहन के लिए अकेला लड़ रहा हूँ, जिस कारण कि ये जो गरीब महिला बहन है इनको जादोवाड़ी के अंदर सन 1999 से बेचारे व्यापार करते हैं, इनको वहाँ पे कोई जगह नहीं है। पिछले 3 महीने पहले मैंने सभापति साहब को लिख ही दिया, तो देखो हमारे हिंदू महिला बहनों को, शेतकड़ी को, व्यापारियों को आप जगह वाटप करो। मेरे को उन्होंने आश्वासन दिए थे कि रो भाई हम हिंदू मुस्लिम सब बहनों को, भाइयों को, शेतकड़ियों को जगह देंगे। हमने इतना बड़ा शेत हॉल बनाया, शेतकड़ी भवन बनाया जिसका नाम है हरिव बागड़े नाना शेतकड़ी भवन, ये बनाए हमने। लेकिन हम हर किसी को बिठाएंगे, ना इंसाफी नहीं होने देंगे। मैंने सभापति साहब को लिखी फरमान दिया, पत्र दिया, उन्होंने मेरे को आज तक कोई जवाब नहीं दिए। लेकिन सभापति साहब ने रात में उस दिन एक इतनी बड़ी हरकत की, मंडी के अंदर शेतकड़ी के बीच और व्यापारियों के बीच में दंगा कराने की कोशिश की और साजिश की। उसमें उनका एक गुंडा रामदास करने, जो कृषि उत्पन्न बाजार समिति का कोई पदाधिकारी नहीं है, लेकिन उन्हें रात में दादागिरी करके जबरदस्ती शेतकड़ी को उठा के इधर बिठाया। मैंने शेतकड़ी को उस दिन पूछा कि देखो भाई तुम कहाँ माल डालते थे, तुम कहाँ बेचते थे, ये जगह दूसरे की है। तो शेतकड़ी ने मुझे कहा कि हमको कोई सभापति ने नहीं बोला, हमारे को कुछ लोगों ने जबरदस्ती उठा के हमको यहाँ ला के बिठाया। ये इनकी सरासर दादागिरी है। क्यों कि हम ये बात सब करते थे कि कृषि उत्पन्न बाजार समिति के कुछ सेक्रेटरी जो उनके गार्ड से, अगर वो ये काम करते तो हम ये बात पे एक्सेप्ट करते थे कि नहीं, कि इनको सभापति साहब ने समझाया। लेकिन सेक्रेटरी गार्ड नहीं थे, ये एक गुंडा है, नामचीन गुंडा है, इसके हाथ के नीचे 5-25 छोकरे पलते। ये हर रोज रात में वहाँ पे दारू पी के 5-25 छोकरे साथ लेके, कल की बात इन्हें और वही हरकत की, रात में शेतकड़ी को जबरदस्ती बिठाने की कोशिश की। शेतकड़ी जबकि नहीं बैठना चाहते, परसों के दिन इन्होंने दादागिरी करके शेतकड़ी को 3 सेट में डाला, शेतकड़ी का माल नहीं बिका, वो शेतकड़ी ने वापस रोड पे लाके बेचा, उसकी वीडियो शूटिंग भी मेरे पास है। ये अपनी मनमानी कर रहे, सभापति 5 साल के वास्ते था, ये बीजेपी का है, इसके 4.5 साल चले गए, ये 6 महीने के अंदर हमारे हिंदू मुस्लिम शेतकड़ी को आपस में लड़वाना चाहता, और हम इसको इसकी कोशिश नाकाम होने देंगे। और उस दिन रात में मैंने तो ये कोशिश इसकी नाकामी की, और भी हम उसको मैंने कहा, खुले अल्फाज में कहा, देख तू है बीजेपी का, तू बीजेपी का है, अपनी कुर्सी बचाने के लिए कर रहा है, कुर्सी के लिए लड़ रहा, हम एकता पे भरोसा रखते, तू चाहे कितनी कोशिश कर ले हमारे हिंदू मुस्लिम में दंगा कराने की, लेकिन तेरी कोशिश नाकाम रहेंगी। मैंने इतना बोल के कहा जय हिंद जय महाराष्ट्र। मैं इमरान खान, आम आदमी पार्टी से खुद हुआ। ये रहो भाई हमारे मंडी के टाइगर फोर्स के, इन्होंने जो गरीब महिलाओं के वास्ते में जगह के वास्ते में मांग की है, और ये जो यहाँ के जो इन्हों है अपने सभापति जो है सभापति साहब, तो ये वहाँ पे दादागिरी करते और उनके गुंडों को भेज के इन्होंने इनको बहुत बार तकलीफ दिए, और आज रहो भाई की मुझसे तकलीफ नहीं देखी गई, तो मैं और हमारे सभी कार्यकर्ता रहो भाई के साथ में हैं, और इंशाल्लाह अगर आखिरी तक हम इनके साथ में रहेंगे, जब तक गरीब महिलाओं को और बहनों को, हिंदू बहनों को और मुस्लिम बहनों को जब तक इंसाफ नहीं मिलता, हम आखिरी तक इनके साथ हैं, और अगर इनको इंसाफ नहीं मिलेगा तो हम पार्टी को ऊपर बोल के इंशाल्लाह बहुत बड़ा आंदोलन खड़े करेंगे।